चिकित्सक को धमकी भरे पत्र देकर रंगदारी व फिरौती मांगने व पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाले एक अभियुक्त व अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। चिकित्सक को धमकी भरे पत्र देकर रंगदारी फिरौती मांगने व पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग करने वाला एक अभियुक्त व अभियुक्त की निशानदेही पर घटना में सम्मिलित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस लाइन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि 24 जुलाई को वादिया डॉक्टर मीनाक्षी सैनी पत्नी रामेश्वर सैनी निवासी सोनावती हॉस्पिटल तहसील रोड निकट एसबीआई बैंक थाना नगपुर जनपद सहारनपुर के लिखित तहरीर सूचना बावत अज्ञात अभियुक्त द्वारा वादिया में 10 लाख रुपए की रंगदारी मांगने के संबंध में थाना नकुट पर मुकदमा पंजीकृत किया गया है। प्रभारी निरीक्षक थाना नकुट के कुशल नेतृत्व में थाना नकुट पुलिस टीम द्वारा आज मुखबिर की सूचना पर चेकिंग के दौरान जब प्रशासन ने आए अभियुक्त गोपाल पुत्र जय सिंह निवासी ग्राम बेराकेड़ी थाना गंगोह को निकट अम्बेहेटा रोड पर स्थित पेट्रोल के पास से गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो अभियुक्त ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा अपनी जान की परवाह न करते हुए घोर का समय करीब अभियुक्त गोपाल रिपोर्ट को गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा 12 बोर एक खोखा कारतूस एक जिंदा कारतूस 12 बोर एक मोबाइल फोन नाम नार्जो कंपनी एक लिखा हुआ कागज बरामद हुआ है। अभियुक्त गोपाल की निशानदेही पर घटना में शामिल अभियुक्त त्रिदेव पुत्र ग्राम स्वरूप निवासी ग्राम मोहल्ला बाजारान कस्बा थाना नकुल को समय करीब 11:15 पर घर से गिरफ्तार किया। इधर क्या पूरा मामला है जो चिट्ठी के जरिए फिरौती मांगी गई डॉक्टर से, किस तरीके से ये फिरौती मांगी गई थी, क्या पूरा मामला था और इसमें कौन कौन अभियुक्त है गिरफ्तार हुआ? 24 तारीख को थाना नकुल पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था जो एक चिट्ठी के जरिए फिरौती और जान से मारने की धमकी के संबंध में था। ये जो पंजीकृत जिन्होंने करवाया वो एक लेडी डॉक्टर है, सोनावती हॉस्पिटल है उनका नकुल तहसील में। उन्होंने ये बताया कि 19 तारीख को सबसे पहले उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ जिसमें कि उनसे 10 लाख रुपए की मांग की गई और जान से मारने की धमकी भी दी गई अगर उन्होंने ये बात किसी को बताई। और ये जो पत्र प्रेषित हुआ था ये नकुट के पोस्ट ऑफिस से ही हुआ था। इसके बाद पुलिस जब जांच में जुटी एक उसके कुछ दिनों बाद दोबारा एक पत्र प्राप्त हुआ जो कि सहारनपुर से जो है अभियुक्त ने पोस्ट किया था। सीसीटीवी कैमरे भी चेक कराए और वादिया की तहरीर पर जो है मुकदमा भी थाना नकुट पर पंजीकृत किया गया। इसके बाद जब कोई सीसीटीवी के जरिए लाभप्रद जानकारी ना प्राप्त हो पाई तो उन्होंने जो जैसा जैसा पत्र में लिखा था कि अपने अगर आपको पैसे देने हैं तो अपने छत पर 3 से 4 तिरंगे लगा लीजिए, तो हमने उसी तरह से वादिया को कॉन्फिडेंस में लेकर जो है अभियुक्त को ट्रैप करने के इरादे से तिरंगे लगवाए। और जैसा कि उसने बताया था कि पत्र में कि जो 10 लाख को एक लिफाफे में बंद करके एक एक स्थान पर उन्होंने बताया था कि रख दीजिएगा, तो पुलिस पहले से ही वहां पर तैनात थी। जैसे ही वहां पर अभियुक्त रात्रि में आया ट्रैप के जरिए पुलिस ने उसे फिर पकड़ लिया। और इसमें जो है जैसे ही पुलिस उसके पास पकड़ने गई थी तो उन्होंने पुलिस को देख आता देख जान से मारने की नीयत से एक फायर भी किया। इसके बाद जो है इसके पास से एक चिट्ठी जो कि पूर्व में भी इन्होंने लिखी थी उसी हैंडराइटिंग में एक तीसरी चिट्ठी मिली और एक 12 बोर का तमंचा और एक खाली खोखा और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ। इसके जो मोबाइल फोन भी बरामद हुआ और जब इससे पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि 5 साल पूर्व में ये और इसकी वाइफ जो है इसी हॉस्पिटल में काम करते थे और वर्तमान में 2 महीने पहले तक इसी जो है साली जो है वो इसी हॉस्पिटल में काम करती थी जिसे हॉस्पिटल ओनर जो है लेडी डॉक्टर उन्होंने निकाल दिया था। इसी बात की रंजिश वो रखने लगी थी तो जो साली है और जो इसका जीजा है जो अब मेन अभियुक्त है इन दोनों ने एक षड्यंत्र रचा कि जो है लेडी डॉक्टर से बदला लिया जाए। साथ ही अभियुक्त ने पूछताछ में ये बताया कि एक कॉलोनी में उसे एक प्लॉट खरीदना था, उसे पैसे की आवश्यकता थी, उसे अपने काम में घाटा भी हुआ था तो ये ड्यूअल मोटिव के साथ ताकि पैसा पैसे की उगाही भी कर जा सके फिरौती से और इसे डॉक्टर ने से बदला भी लिया जा सके इन दोनों ने मिलकर एक षड्यंत्र रचा। कल जो है रात्रि में अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया गया और उससे पूछताछ के बाद आज सुबह जो है इसकी साली जो है उनको भी गिरफ्तार कर लिया है और इस मुकदमे में दोनों को आज गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। और साथ ही 3 जो पत्र हस्तलिखित पत्र हैं वो भी पुलिस ने कब्जे में लिए हैं और साथ ही जो सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग जो पोस्ट ऑफिस में वो भी अभियुक्त से मैच की गई है। इस अभियुक्त का नाम है गोपाल, ये बीराखेड़ी का रहने वाला है। इस पे पूर्व में थाना गंगो पे मुकदमा भी पंजीकृत है, साथ ही इसकी साली को भी गिरफ्तार। क्या
ये कह के ब्लैकमेल कर रहा था कि अगर आपको जिंदा रहना है और अगर आपकी जान प्यारी है तो आप 10 लाख रुपए इस फला फला पते पर आप दे दीजिए, इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कीजिए, 2.5-2.5 लाख के 4 पैकेटों में। इसको इसको अरेस्ट करने के लिए पूर्व से ये ट्रैप थाना नकुल पुलिस ने बना रखा था और उसी के ट्रैप के चलते से गिरफ्तार किया।